जय मां कात्यायनी। मित्रों, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा और लाया हूं आपके लिए 2018 का वार्षिक राशिफल। मिथुन राशि का वार्षिक राशिफल यानी मिथुन राशि के लोग 2018 में क्या करेंगे, क्या कुछ उनकी राशियां उनको गुल खिलाने वाली हैं, क्या कुछ अच्छा करने वाली है, क्या कुछ उतार चढ़ाव जीवन में लेके आने वाली है, इस बारे में मैं चर्चा करता हूँ। तो सर्वप्रथम आप सभी को हार्दिक नववर्ष की मंगल कामनाएं। अब नए साल में आने वाले आप लोग ये भी सोचते होंगे कि हमारा वर्ष कैसा रहेगा। ये बहुत सारी जिज्ञासाएं आपके अंदर होती हैं, विचार होते हैं आपके अंदर कि आचार्य जी क्या बताएंगे, क्योंकि कार्यक्रम बराबर देखते हैं तो एक जिज्ञासा बनी होती है। मैं समझता हूँ इस चीज़ को, आपके भाव को। तो यहाँ पर इसमें मेरा प्रयास यही है कि आपकी राशि के बारे में अच्छी तरह बताया जाए, समझाया जाए आपको, और मैं भी आपकी जिज्ञासा को दे करके अंतर्मन से साथ में ग्रह गोचर को देखते हुए, ग्रहों को देखते हुए, चंद्रमा को देखते हुए, वैदिक ज्योतिष के आधार पर आपको पूरा मैं विचार प्रकट करता हूँ। जिन ग्रहों के कि जो नामाक्षर हैं का की कु घ अंग छ के को हा, इन नामाक्षर वालों के लिए यानी मिथुन राशि के जो नामाक्षर आते हैं, नौ अक्षर आते हैं इनमें, तो इनके लिए कैसा वर्ष रहेगा। तो इस वर्ष शुरुआत में गुरुदेव यानी बृहस्पति तुला राशि में हैं और अक्टूबर में वृश्चिक राशि में जाएंगे। शनिदेव संपूर्ण वर्ष धनु राशि में ही रहेंगे। राहु केतु क्रमशः कर्क और मकर राशि में आमने सामने होते हुए संपूर्ण वर्ष इसी राशि में रहेंगे। तेभ्यग्रामी मंगल जो है आगे परिवर्तन करता रहेगा। 15 जनवरी से तुला राशि में होगा, इसके बाद 7 मार्च तक यहाँ रहेगा और 2 मई तक धनु राशि में रहेंगे। ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, अन्य भी सभी ग्रह और राशियां सब आपस में संचार करते रहेंगे। यहां पर मेरा प्रयास यही है, मेरी कोशिश यही है कि हर पहलुओं पर ध्यान देते हुए आपको मैं चर्चा के माध्यम से सारी बातें बताऊं। तो मित्रों, जो मिथुन राशि वाले लोग हैं, आपका पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, पत्नी और पति के साथ प्रगाढ़ रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी, अच्छा जीवन बीतेगा। परंतु यह ना सोचे कि केवल प्यार ही आपका जीवन है, साथ में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इन पर भी आपने थोड़ा ध्यान देना होगा। आखिर प्यार में वह यह भी जरूरी है कि आप एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, एक दूसरे को विचारने का प्रयास करें, एक दूसरे की मदद करने का प्रयास करें, यह भी जरूरी होता है। आपका साल का अधिकांश समय एक साथ ही व्यतीत करेंगे। दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए अपने जीवन साथी की बातों को अहमियत देना बहुत जरूरी है। नकारात्मक टिप्पणी बिल्कुल न करें, एक दूसरे की टिप्पणियों से बिल्कुल दूर रहें, आपके लिए बेहतर होगा। और मिथुन राशि वालों के लिए माता जी के साथ अच्छा संबंध बना के रखें, उनका मान सम्मान कुछ उपहार ला के भी दें उनको, जितना भी हो सके, जैसा भी हो सके, ये भी आप करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। कारोबार में भाई बहन के साथ सहयोग मिलेगा, लेकिन जीवन साथी के कुछ रिश्तों में तनाव भी हो सकता है, इसीलिए सबसे पहले आपको मैंने समझा दिया है कि विचारों का ध्यान जरूर रखना है। बात करते हैं स्वास्थ्य की, कि नए वर्ष में स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा आपका स्वास्थ्य का, और शनि का सप्तम भाव में होने से आपको अपनी पत्नी को लेकर कुछ बीमारी की वजह से हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और बीमारी आपकी लंबी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, आपकी पत्नी को भी हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखें। और अगर बीमारी छोटी भी है तो आलस्य बिल्कुल ना करें कि हाँ कल लगा दिखा लेंगे, परसों दिखा, ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं पड़े, परिणाम ठीक नहीं होगा, ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और शनि मंगल की अंतर्दशा या महादशा अगर चल रही है तो इस वर्ष में ज़्यादा सतर्क रहना है, अपने ध्यान देना है अपनी कुंडली को देखते हुए, लीवर या गुप्तांगों में परेशानी हो सकती है। शरीर का कोई भाग विकसित होकर के और बहुत बड़ी परेशानी भी उत्पन्न कर सकता है, चिकित्सा की जरूरत पड़ सकती है। कंधा पीठ कमर दर्द में कुछ परेशानी हो सकती है। जैसा कहा गया है कि समस्या समाधान के साथ ही पैदा होती है, इसलिए आवश्यक है समाधान करना, इसलिए समस्या में ही समाधान को ढूंढने की कोशिश करें। नियमित रूप से योग करें, योग का सहयोग लें, सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, ये सब करेंगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। तो ध्यान रखें। धन संपत्ति के बारे में बात करते हैं। आज
कि आपके इस वर्ष में कैसा रहेगा। आपने हैसियत से कुछ ज़्यादा सोचेंगे भी, विचारेंगे भी, करने का प्रयास करेंगे, लेकिन प्रयास सीमित रखिएगा। केवल काल्पनिक योजना से ही काम नहीं चलता, करना पड़ता है। सोचे विचारे तो करने का प्रयास भी करें, मेहनत भी करें। राहु के कारण आप धन के मामले में थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, और सोचें कम करें ज़्यादा। यानी कहने का मतलब यह है मेरा कि सोचें उसको करें, करने का पूरा प्रयास करें और करें भी। आर्थिक मामलों को लेकर कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और धन हानि के कारण भी अपने आप बन सकते हैं इस वर्ष। घबराएं नहीं, अगर धन बे हो रहा है तो सोचे बे क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, इस पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप मन लगा के काम करेंगे, और कुछ उपाय बताऊंगा अभी लास्ट में आपको, उन उपायों को समझेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, करेंगे, तो आपको लाभ भी मिलेगा, ऐसा नहीं नुकसान ही नहीं। अगर आप नौकरी पेशा के बारे में चर्चा करना चाहते हैं और वो जो भी विचार कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान दें। आपका बृहस्पति सितंबर तक पंचम अवस्था में रहेगा, उसके बाद अक्टूबर से छठे भाव में जाएगा, और इस भाव से गुरु की दृष्टि कर्म तथा धन भाव पर रहेगी। परिणाम स्वरूप अक्टूबर या इसके बाद नौकरी आप अवश्य प्राप्त करेंगे। और अपना स्वभाव हंसमुख बनाएं, बढ़िया रखें, भावनाओं पर कंट्रोल रखें, व्यर्थ में किसी से लड़ने झगड़े नहीं, क्योंकि ये व्यर्थ वाली कहानी बड़ी गड़बड़ होती है, आपकी सफलता अच्छी रहेगी। अगर आप व्यवसायी हैं, व्यवसाय के मामले में इस साल आपका बहुत उत्तम है, बहुत महत्वपूर्ण है, अपने आप लाभ मिलने वाले हैं, और कहीं पैसा ब्याज पे दे रखा है तो ब्याज भी आपको अच्छा मिलेगा। ब्याज वाला व्यक्ति कभी लेट लपेट नहीं करेगा, टाइम से भी लाके ब्याज देगा। लेकिन अगर साझे में काम करना चाहते हैं तो साझे में काम करने के लिए भी दिन आपका यह वर्ष और दिन बहुत आपके बहुत अच्छे हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर छोटा मोटा वाद विवाद भी होता है तो बहुत जल्द उसको सुलझाने का प्रयास करें, धैर्य से काम लें, सब ठीक हो जाएगा। जो लोग वकालत के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। डॉक्टर, शिक्षा या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है, आमदनी भी अच्छी आएगी और काम भी अच्छा रहेगा इनका। मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम संबंध की बातें करते हैं, ये लोग खुश मिजाज व्यक्ति होते हैं, प्रेम की बातें करते करते थकते नहीं, इनकी बातें बड़ी लंबी हो जाती हैं, यह बस इनके लिए बहुत उत्तम है। आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो हो सकता है विवाह भी हो जाए, और प्यार नहीं करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है आपका प्रेमी, तो इस बस आपको मिल जाएगा, हमने कह दिया, क्योंकि आपके ग्रह गोचर ऐसे हैं, मिलेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो पत्नी का सहयोग अवश्य करें और सहयोग उसका प्राप्त करें, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। कहीं कोई खटास आती है तो उसको सुलझाने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन में ईमानदारी बहुत जरूरी है, अगर ऐसा करते तो आपका कल्याण होगा। अब सर्वप्रथम इस वर्ष में आप निर्धारित ये करें कि आपको क्या करना है, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अपने पर भरोसा रखने की आवश्यकता है, अपने को कम आंकें और अपनी शक्ति को जो कि छुपी हुई है तो उसको बाहर निकालें, उससे लाभ प्राप्त करें, आनंद उठाएं। यदि मंगल की या शनि की दशा चल रही है आपके ऊपर, तो हनुमान चालीसा का पाठ आपने अवश्य करना है, और साथ में इस वर्ष हर बुधवार को भगवान गणेश जी को 11 दुर्वा ओम गं गणपते नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गणेश जी को अपनी चढ़ाना है और एक देसी घी का दीप जलाना है। संभव हो सके किसी विद्वान ब्राह्मण की सहायता लेकर के महीने में एक बार पूर्णमासी को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप अवश्य करें। ये भागवत का एक अंग है, श्रीमद् भागवत महापुराण का एक अंग है, तो इस पाठ के माध्यम से आप का जीवन यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके लोग सहायता करेंगे, भगवान नारायण की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो मित्रों, अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप शेयर करें और दूसरों को भी दिखाएं, उनको समझाएं, बताएं, जैसे कि आप लाभ प्राप्त करते हैं, लोग और भी लाभ प्राप्त कर सकें। साथ में अगर हमसे मिलने की आवश्यकता है, संपर्क करने की आवश्यकता है, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिससे हम आपकी सहायता करें। हमें बड़ी खुशी होती है कि परमात्मा ने हमें इस लायक बनाया है कि आपकी सहायता कर पाए। तो बढ़ते हैं अगले विषय की तरफ, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।